हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास नाइन्थ फिजिक्स पर्सन का मोशन। कुछ स्टूडेंट्स लोग का डिमांड था कि सर आप नाइन्थ क्लास के फिजिक्स पर भी वीडियो बनाइए। वैसे नाइन्थ का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाइन्थ क्लास में आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपको इलेवंथ क्लास में जाके फिजिक्स को सपोर्ट करेगा। नाइन्थ का पूरा बेसिक आपको इलेवंथ क्लास में काम आएगा। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चार पांच अपने लेक्चर में, चार पांच वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक है मोशन। तो मोशन से हम इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन सबसे पहले हमको इस मोशन के मीनिंग को, इसके सेंस को समझना है। व्हाट इज मोशन? तो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप यदि अपने सराउंडिंग में सारे ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करिए तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में हैं वो या तो रेस्ट कंडीशन में है या मूविंग कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन मीन्स ये बिल्डिंग आज अभी यहीं पर है, कल आप आके देखोगे, फिर आप परसों के क्लास में आते हो तो आपको ये बिल्डिंग यहीं मिलता है। दैट मीन्स ये बिल्डिंग रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन हमारे व्हीकल्स हैं, मैं खुद, कभी आप मेरे को नीचे पाते हो, कभी क्लासरूम में पाते हो, कभी और पाते हो, दैट मीन्स मैं टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करते रहता हूँ। तो इस तरह से मोशन का सीधा मतलब होता है कि यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हो तब वो मूविंग बॉडी कहलाता है और इसे हम मोशन कहते हैं। इस तरह से पूरे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉडी हैं वो या तो रेस्ट कंडीशन में है या मूविंग कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन मींस इफ ए पार्टिकल और बॉडी डजंट चेंज इस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आर विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी देन इट इज इन रेस्ट कंडीशन। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी बॉडी आर टाइम इज कॉल्ड इन मोशन आर मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, कार, ट्रेन, फ्लाइट, ये सब आप मोशन कंडीशन में देखते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी मूविंग कंडीशन में है कि रेस्ट कंडीशन में है? नेचुरली वो मोशन कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, आप सबको पता है। लेकिन क्या कभी हम इसके मोशन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम ट्रेन में बैठे होते हैं, अपनी कार में बैठे होते हैं तो हमको मोशन का एहसास होता है, मोशन हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन हम अर्थ, जिसका स्पीड बहुत अधिक है, हम गैलेक्सी में सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं अर्थ के साथ, लेकिन हमको इसके मोशन का पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी स्टेशनरी बॉडी से इसको कंपेयर नहीं कर पाते। दैट मीन्स पूरे यूनिवर्स में यदि आपको किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करना है तो आपको उसके लिए एक रेफरेंस बॉडी चाहिए, दैट मीन्स ए रेस्ट बॉडी चाहिए। आप आगे जाके हायर क्लास में, इलेवंथ क्लास में, जैसे मैंने डिस्कस किया, इलेवंथ क्लास में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ फिर आप रिलेटिव वेलोसिटीज और बहुत सारे कंडीशन पढ़ोगे। अब यहाँ पर मैं आपको वन बाई वन मोशन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट पर अप्रोच करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है आपको उसके टर्म्स पर कमांड होने चाहिए। इमोशन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको आगे चल के बहुत आसान होगा फिजिक्स समझने में। देखिए, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी सब्जेक्ट है यदि उसको आप प्रॉपर वे में समझेंगे। एट्थ क्लास तक आप जनरल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास में आने के बाद आप फिजिक्स को एक स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जब कोई बॉडी जब मोशन करता है, जब वो मूविंग कंडीशन में आता है तो उसके साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिस्टेंस। मैं चार्ट फॉर्म में इसको आपको कंपेरेटिवली समझा रहा हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको फिजिक्स में मोशन के चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉमन लाइफ में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज
ये एक पोजीशन है, यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। आफ्टर टी टाइम, सपोज उसने टी टाइम तक मोशन किया और वो बॉडी यहाँ पहुँच गया। जैसे आप अपने घर से चल के मेरे कोचिंग तक आप आते हैं, तो आप एक रास्ते पर, जैसे जैसे आपके घर से मेरे कोचिंग तक का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में इस तरह से आप टर्न होते जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। ये आपका इनिशियल पोजिशन होता है। सपोज़ आप इमेजिन करिए आपका घर है और सपोज़ ये हमारा कोचिंग क्लास है, तो आप इस तरह से हमारे घर तक पहुँचते हैं। ये आपका लेंथ ऑफ द पाथ होता है। दैट मीन्स जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो इस पाथ को आप फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। आप एनी मूविंग बॉडी, उसके रास्ते की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट पर बात करें, तो देखिए ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है और ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए आपका घर है, ये मेरा कोचिंग क्लास है और हमारे बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। इस तरह से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसमें कि एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी ऑब्जेक्ट कहीं जाता है कहीं भी मुड़ता है, मतलब वो एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं ए टू बी इसका एक सर्टेन डायरेक्शन है। तो ये जो मैंने रेडिंग से निशान लगाया, ये एक्चुअली क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट। नेचुरली यहाँ से पता चलता है हमको, क्या पता चलता है? कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 20 मीटर इज मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, इन विच डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी, जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दैट मींस यहां पर डायरेक्शन क्या डिफाइन है कि 20 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड है, बट नॉर्थ टू साउथ इज इट्स डायरेक्शन। क्लियर? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स लेस देन जीरो नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये तो क्लियर है कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नेवर कैन बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो। इसका एग्जांपल देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव समझा दूं। पॉजिटिव मतलब ये जहाँ पर एग्जांपल बताया, ये इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसका वैल्यू यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। सपोज ये 10 मीटर है, 10 मीटर इज इट्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट, द एग्जांपल ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ पर मैं एक फिगर बनाया, ये ए पोजिशन है किसी बॉडी का, वो बी तक आया और बी से वो सी तक गया, ए से बी आया, फिर बी से सी गया और वो रिटर्न सी से ए वापस आ जाता है। तो ये अपने इनिशियल पोजीशन को क्या करता है? रिपीट करता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया। इस तरह से ये क्या कहलाएगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब अपन समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए सपोज ये कोई टावर है, इस टावर पर सपोज कोई खड़ा है, यहाँ पर टावर के ऊपर में खड़ा है और यहाँ से इसने क्या किया, ये सपोज इस टावर का हाइट 10 मीटर है, यहाँ से किसी लड़के ने सपोज एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिया। अब जैसे ये अपवर्ड थ्रो करेगा तो ये बॉल अपने हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा और हाईएस्ट पोजीशन में जाने के बाद वो नीचे
ग्राउंड तक वापस सपोज ऐसा गिरता है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, बाल यहाँ से यहाँ तक गया, तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर यहाँ से वहाँ तक आया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल होकर ये जीरो हो गए। लेकिन अब वो पार्टिकल अपने इनिशियल पोजिशन से भी नीचे आ गया 10 मीटर, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -10 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स, या सपोज मेरे हाथ में एक बाल है, इस बाल को मैंने इस वाल में थ्रो किया, बाल से टकराने के बाद रिबाउंड होकर वापस आया, और मैंने सपोज बाल को कैच कर लिया, जहाँ मैं थ्रो किया था वहाँ कैच कर लिया, वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन सपोज मैंने बाल को कैच नहीं किया और वो बाल अपोजिट डायरेक्शन में पीछे चला गया, तो मेरे इनिशियल पोजीशन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चला जाएगा वो उसका क्या कहलाता है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों के आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है कि डिस्टेंस नेवर कैन बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये लेस देन को करके मैंने काट दिया, दैट मीन्स वो छोटा नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस कभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा और मिनिमम उसके इक्वल हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आपको कंपैरेटिवली आपको बताते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ढंग से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, कॉमन लाइफ में हमको स्पीड वेलोसिटी एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। स्पीड का भी फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स यदि किसी बॉडी में, यदि कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, दैट मीन्स स्केलर हो। अभी मैंने बताया डिस्टेंस क्या होता है। तो सपोज कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन वहां पर डायरेक्शन सर्टेन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। बट इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन सर्टेन डायरेक्शन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको डेफिनेशन तो एक जैसा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के अपने जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज एक्स टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी टाइम, माइनस पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन इनिशियल टाइम अपन टाइम। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, और अपॉन टाइम तो हमको क्या फाइंड हो जाता है, वेलोसिटी फाइंड हो जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट यहाँ से अपने को पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट में पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये होता है यूनिट, यूनिट ऑफ द वेलोसिटी और यूनिट ऑफ द स्पीड आल्सो, क्योंकि फार्मूला तो एक जैसा है। ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है देखिए, जैसे सपोज किसी बॉडी ने 10 मीटर पर सेकंड से अपना मोशन स्टार्ट किया, आफ्टर टाइम आफ्टर टी टाइम सपोज इट्स वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, 10 से 30 हो गया, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और सॉरी फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से अपॉन टी। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसमें एरो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी व्हीकल से जा रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो होता क्या है कि हम पहले उसके स्पीड को कम रखते हैं, फिर हम एक्सेलरेटर देते हैं, एक्सेलरेट करने का मतलब ही है क्या, एक्सेलरेशन, इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर बना हुआ है। तो हम बॉडी को जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट क्योंकि टाइम का हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं और ये हो रहा है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट्स यूनिट इज, यूनिट यहां से बनेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये है मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और अपॉन टाइम इज सेकंड, दैट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज आल्सो रिटन एज मीटर सेकंड इनवर्स टू द पावर 2। एंड व्हाट इज रिटार्डेशन, देखिए यहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में एक शार्प डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है, चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ये भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन एक किस सेंस में है, ये नेगेटिव सेंस में है, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हम रिटार्डेशन कहते हैं, इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने अपने बॉडी के वेलोसिटी को क्या किया, अपने व्हीकल के वेलोसिटी को इंक्रीज किया एक्सेलरेटर देके, लेकिन सपोज जब अपने व्हीकल को हमको रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम अपने व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बिल्कुल एक जैसा चीज है, दोनों चेंज इन वेलोसिटी है, बट एक्सेलरेशन में क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और रिटार्डेशन में क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता है, दोनों का यूनिट यही होगा। कभी भी यदि हम एक्सेलरेशन फाइंड करें और उसका वैल्यू माइनस में आए, सपोज मैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल्स में और वो मिल गया मेरे को -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हमको समझ जाना है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन शो कर रहा है। इस तरह से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव सेंस का डिफरेंस है। इस तरह डिफरेंसन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज रिटार्डेशन आल्सो, बट इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजेस, बट इन द सेंस ऑफ रिटार्डेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये यूज होगा और फार्मूला डेरिवेशन में भी यूज होगा। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये वर्ड प्राय यूज होता है मोशन के चैप्टर में। यूनिफॉर्म मोशन हम किस तरह के मोशन को कहेंगे,
और नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे। देखिए, सपोज़ ये हमारा कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, सपोज़ हम ट्रेवल कर रहे हैं, रोड में ट्रेवल कर रहे हैं और हमने ए पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट किया। सपोज़ ए से बी तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, फिर फ्रॉम बी टू सी इज़ आल्सो 1 किलोमीटर, सपोज़ बी से सी भी 1 किलोमीटर है, सपोज़ सी से डी भी 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर का इंटरवल है। अब हमने सपोज़ मोशन स्टार्ट किया और हम ए से बी तक पहुंचने में सपोज़ हमने 2 आवर का टाइम लिया, सपोज़ टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2 आवर एंड फ्रॉम बी टू सी इज़ आल्सो 2 आवर एंड सी टू डी इज़ आल्सो 2 आवर। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या होगा इसका, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ ए मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड इन दिस केस ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन विल बी आल्सो 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। क्यों 0 हो गया? क्योंकि हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में क्या बताते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी उसका क्या है, कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट और फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0। ये बात आप, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बात ध्यान में रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी, देन इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन विल बी 0। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सपोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने यहाँ पर एक पाथ लिया, ए टू बी इज सपोज 1 किलोमीटर, बी टू सी इज सपोज 1 किलोमीटर एंड सी टू डी इज 1 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज फ्रॉम ए टू बी इज सपोज 2 आवर, बी टू सी इज सपोज 1 आवर एंड सपोज सी टू डी इज 3 आवर। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि हम इक्वल डिस्टेंस को फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डिस्टेंस इज इक्वल बट टाइम टेकन इज डिफरेंट। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए मूविंग बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, यदि वो डिस्टेंस अनइक्वल हो और टाइम इक्वल हो तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या कर रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो इस तरह के बॉडी को क्या कहेंगे अपन, मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं और इसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है क्योंकि बॉडी के वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जनरली हम अपने डेली लाइफ में जब ट्रेवलिंग करते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वो हमारा बॉडी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि जब हम स्मूथ रोड में चलते रहते हैं ना, आपको पता होगा कि जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो जब हम स्मूथ रोड में, हमको रोड बहुत अच्छा मिलता है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक हो, रोड ख़राब हो, तो हम अपने गाड़ी के स्पीड को कम कर देते हैं। दैट मीन्स हम हमेशा इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं करते। दैट मीन्स हमारे डेली लाइफ में जनरली हमारा जो मोशन होता है कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इमेजिन करो कि एक पायलट फ्लाइट उड़ा रहा है स्काई में और उसने अपने फ्लाइट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर फिक्स कर दिया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर फिक्स करने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तब हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ फ्लाइट इज यूनिफॉर्म मोशन, और हम जो रोड में ट्रेवल कर रहे हैं मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये वेलोसिटी के लिए भी सही है, एक्सेलरेशन के लिए भी सही है, रिटार्डेशन के लिए, ये कॉन्सेप्ट सब में कॉमन यूज होता है। क्लियर? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको मोशन के चैप्टर में यूज होते हैं। मैंने क्या क्या बताया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार इस बात को, आप अभी अर्लियर छोटे क्लास में हैं, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको डेप्थ में कमांड करना है, मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने इस बात में स्टूडेंट से ये बात सीखा
कि उनको कोई भी सब्जेक्ट तभी समझ में आता है जब उनका बेस क्लियर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि हम छोटे क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमको बताया जाता है, जनरली या तो हम उसको सिंसियरली नहीं लेते, या कई बार क्या होता है हम लोग भी टीचर्स भी बहुत छोटी सी बात है करके उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो उस कारण हमारा बेस पुअर हो जाता है। जिसके कारण जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं, सपोज हम हायर क्लास में कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं और वहाँ पर टीचर ने बोल दिया, सिंगल लाइन में बोल दिया कि मोशन इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज जीरो, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप आगे चल कर भी पढ़ोगे, इस क्लास में भी पढ़ोगे, और वो एक फार्मूला डेरिवेशन है जो आपको ध्यान से समझना है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के इक्वेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, तो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इक्वेशन मोशन के थ्री इक्वेशन होते हैं और वन बाय वन हम इस इक्वेशन को, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इक्वेशन है। फर्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज f इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वेयर, थर्ड इज v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ये इंट्रोडक्शन है इसका, थ्री इक्वेशन है, इसके बाद इसका अपन प्रूफ करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वेरिएबल्स कौन कौन सा क्या है, ये आपको ध्यान में रखना हमेशा। u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, अभी मैंने पढ़ाते समय सबका सिंबल आपको क्लियर किया, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। इतने वेरिएबल्स हमारे इसमें यूज हुए हैं। ये फाइव वेरिएबल्स u, v, a, s एंड t ये इक्वेशन में यूज होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। अब वन बाय वन हम इसको डिराइव करेंगे, तीनों इक्वेशन को। इसके डेरिवेशन के हमारे पास टू मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। मैं आपको दोनों तरीके से इसको डिराइव करके बताता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप लर्न करिए थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द मीनिंग ऑफ इट्स सिंबल्स एंड आफ्टर दैट इट्स डेरिवेशन। क्लियर? नाउ फर्स्ट वी प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूफ और डेरिवेशन। प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स वी इक्वल यू प्लस ए टी। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये तो एक लाइन का प्रूफ है, अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बता ही दिया। सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। Now transfer t in this side, a into t equal to v minus u, that implies अब minus u को भी इधर transfer कर लो तो इधर हो जाएगा v equal to u plus a t, ये हो जाएगा proof of first equation of motion। बस बहुत easy है, कुछ भी नहीं है। acceleration का formula आप लीजिए, t और u को transfer करिए, v equal to u plus a t, वो acceleration के formula से ऐसे derive हो जाता है। तो first equation of motion बहुत easy है। Now second equation of motion, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी
प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर एंड इट्स प्रूफ। देखिए यहाँ पर यू यूज हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, दैट मीन्स उसके पास टू वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल आल्सो, क्योंकि जब तक बॉडी के पास टू वेलोसिटी ना हो इनिशियल एंड फाइनल बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, ये हो गया उसका एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम। यदि हम वेलोसिटी में या स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इक्वल एवरेज वेलोसिटी इज यू प्लस वी अपॉन टू टाइम इज टी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो यहाँ पर वी का वैल्यू यू प्लस ए टी है, तो ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी है इसका वैल्यू हम यहाँ से ला के पुटअप कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे फाइनल इक्वेशन में वी नहीं है, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन हमको डिराइव करना है उसमें आप देखिए वी नहीं है, तो वी को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन बिकम्स एस इक्वल टू यू प्लस वी का वैल्यू क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी अपॉन टाइम इज टू और ब्रैकेट के बाहर में टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इक्वल टू यू प्लस यू कितना हो जाएगा टू यू प्लस ए इंटू टी अपॉन टू इंटू टी, दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू यू का दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में और यहाँ हो जाएगा यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन टू ए इंटू टी ब्रैकेट के बाहर टी, दैट इम्प्लाइज अब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एस इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वो यू टी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन अपॉन ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और हम अब इन दोनों के हेल्प से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। देखिए वो कैसे डिराइव होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको बहुत इजी वे में एडजस्टमेंट करके प्रूफ कर रहा हूँ। वैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन नियर अबाउट 7-8 स्टेप में बहुत सारे राइटर्स बुक में दिए रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओनली 4 स्टेप में इसको क्लियर कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे किस तरह से दोनों फार्मूला को यूज करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए प्रूफ आपका क्या करिए, सबसे पहले बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन ले लेते हैं, वो क्या था वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन के दोनों साइड को होल स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड होगा तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दिया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ से हम टू ए कॉमन करते हैं, ये दोनों टर्म्स में से यहाँ से हम 2a कॉमन करते हैं, 2a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2 और ये a ये कॉमन हो गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा u एंड t, ये हो गया ut प्लस। अब यहाँ से हमने 2 डिवाइड किया है लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, 2 यहाँ सॉरी 2 यहाँ से हमने कॉमन किया तो 2 यहाँ पर है नहीं, तो 2 हमने न्यूमरेटर से कॉमन किया, डिनोमिनेटर में लिखा है दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा
तो होगा 1/2। और यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, एक ए यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा ए, और टी स्क्वायर यहाँ से बचा रहेगा ये, क्लियर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2a, और अंडर ब्रैकेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अभी आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या आएगा, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान सा इसका डेरिवेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमने उसको डिराइव कर दिया। अदरवाइज इसको किस तरह से इसको डिराइव करते, एक और मेथड इसका है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं और यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसको पुट अप करते, उसको सिंप्लीफाई करते, बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप स्पेशली इसको केयर करेंगे कि मैंने इसको किस तरह से डिराइव किया है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने होल स्क्वेयरिंग कर दिया और 2a कॉमन करके इसको s बना दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये आसानी से प्रूफ हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के अपने पास दो तरीके हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं, कैलकुलस का भी मेथड है लेकिन उसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे एग्जाम में यदि तो हमारे टीचर्स मान लो हमको पूछते हैं डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम फ्री हैं, लेकिन सपोज क्वेश्चन में बोल दिया डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ या बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम बाउंडेड हो जाएंगे, तब हमको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको जानना जरूरी है। ऐसे भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन के चैप्टर में ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो वन बाय वन अपन इसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए यहां पर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले ग्राफ हमको एक ही ड्रा करना पड़ेगा तीनों मोशन के लिए, ग्राफ एक होगा और इसी ग्राफ के बेस पर तीनों प्रूफ होंगे। तो आप ध्यान देंगे मैं एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करूंगा, लेकिन ग्राफ एक ही रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है। अब यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी के वेलोसिटी को, ये इसका ओरिजिन है ओ। अब सपोज सबसे पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ लिया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी का पोजीशन है u, सपोज इस पॉइंट का नाम है a। अब उसने उस बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और इस तरह से ये उसका फाइनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन पर ये इसका फाइनल पोजीशन है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी है सपोज v, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। O से A इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और O से सपोज ये E पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने लिया B, तो ये O से E तक का इसका फाइनल वेलोसिटी है। अब क्या किया, यहाँ से हमने इस पर कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये। तो सपोज हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये C पॉइंट है सपोज, और ये D पॉइंट है। हमने X एक्सिस में लिया हुआ है टाइम, x एक्सिस में टाइम लिया हुआ है, और y एक्सिस में लिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने y एक्सिस में लिया हुआ है, और O से C तक टाइम सपोज t है। इस तरह से सबसे पहले आप ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ में यहां पर कौन कौन सा वैल्यू क्या है, देखिए हियर हियर O टू A दैट इज आल्सो इक्वल टू CD, दैट मींस OA इक्वल टू CD
इक्वल टू यू, ग्राफ में देखिए ये इसके इक्वल है, और ओ ई दैट इज इक्वल टू बी सी, ओ ई इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी इज वी, एंड ओ सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या है हमारा टाइम है, तो ओ सी इज इक्वल टू ए डी, वो ए डी के भी इक्वल है और क्या है टी है। तो ये वेरिएबल्स को आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि ग्राफ जो हमने ड्रा किया है उसमें कौन कौन सा डिस्टेंस क्या है। तो ये दोनों डिस्टेंस यू की इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस वी की इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल है टी के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन डिराइव करते हैं। सबसे पहले इतना तो कॉमन रहेगा पूरे क्वेश्चन में, पूरे इक्वेशन में ये ग्राफ और ये सब में कॉमन है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को अपन प्रूफ कर रहे हैं। तो आप इस डिस्टेंस को देखिए, यहाँ पर जो बी सी डिस्टेंस है बी टू सी, बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, दैट इम्प्लाइज बी सी को, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ग्राफ से देखें बी सी इक्वल टू क्या है वी है, तो हो जाएगा वी इक्वल बी डी, बी डी का डिस्टेंस हमको पता नहीं तो सॉरी बी डी, हाँ बी डी हमको पता नहीं तो बी डी को बी डी रहने दीजिए, ये हो जाएगा बी डी, और प्लस ये जो डी सी डिस्टेंस है या सी डी किसके इक्वल है यू की इक्वल है, ये हो जाएगा यू, दैट इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ये सबसे पहले हम ये बी डी का वैल्यू निकालेंगे, बी से डी तक का वैल्यू, ये वी माइनस यू निकल गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये होता है। आप ध्यान रखेंगे कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो जो रेडिंग से मैंने यहां पर ग्राफ का स्लोप बनाया है इसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहते हैं उसको। तो एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप, मतलब क्या होता है झुकाव इसके साथ में। तो स्लोप ऑलवेज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड बेस साइड होता है, परपेंडिकुलर साइड और बेस के साइड का जो रेशियो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है बी डी और इसका बेस है ए डी, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी डी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर रखे हैं वी माइनस यू, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए डी, ए डी ग्राफ से आप देखिए ए डी किसके इक्वल है टी के इक्वल है, तो हो जाएगा टी, और इसको आगे हम सॉल्व कर दें तो दैट इम्प्लाइज टी को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ डिराइव हो जाता है। तो यदि आपको एग्जाम में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बाई ग्राफिकल मेथड बोले तो आपको ऐसा ही डिराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर सकते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ग्राफ है वो कॉमन होगा, यहाँ तक कॉमन होगा, सिर्फ ये डेरिवेशन के स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर। तो मैं यहीं से आपको चेंज करके बताता हूँ कैसे होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां देखिए आप एक ट्रेपेजियम है अपने पास, ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे जो कि एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके दो तरीके, आप दोनों के एरिया निकाल के सम करिए या आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट और टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी के इक्वल होगा। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह जो उस ग्राफ का टोटल इनक्लोज एरिया होता है, ये टोटल इनक्लोज एरिया है,
ये इतना एरिया, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया, ये ग्राफ का टोटल इनक्लोज एरिया है जो कि कंप्लीट एक ट्रेपेजियम बनाता है। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की इक्वल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ओ ए एंड बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी और इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसके और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या है, ओ सी है, या जिसको हम ए डी भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो ये ए डी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू पुट अप कर दिए, एस इक्वल टू 1/2 ओ ए, यहाँ देखिए ग्राफ से ओ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा यू प्लस बी सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा वी और इंटू ए डी, ए डी क्या है, टाइम है, तो ये टाइम के इक्वल हो जाएगा टी। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू 1/2, अब सेकंड इक्वेशन आप मोशन में आपको पता है कि यू नहीं होता, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से इसका वैल्यू पुट अप कर दिए, तो यू इक्वल टू जैसे पहले किया था, तो यू प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और इंटू टी। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल, अब क्या है, ए टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एस इक्वल टू 1/2 बाहर आने दीजिए, वो हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के बाद आप उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसका वैल्यू पुट अप किया, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ करने के लिए बस हम लास्ट के 2 स्टेप में चेंजेस लाएंगे। जनरली स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड को डिफिकल्ट समझता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आपको ग्राफ बस प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए कि हमने कौन कौन से एक्सिस में क्या लिया, कौन सा यू है, कौन वी है, कौन टी है, उसके बाद एक एक लाइन में इसका प्रूफ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्टेंस यू वी और टी है, क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ये वर्क यहाँ तक करना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना इरेज कर रहा हूँ, ओनली इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप ध्यान रखिए मैं सिर्फ कितना पोर्शन इरेज किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही निकालना है, करना यहाँ तक करना है, और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आप लोग, एस इक्वल टू 1/2, ये होगा यू प्लस वी, यू प्लस वी इंटू, यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, टी का वैल्यू, तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम टी का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ से टी का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो यहाँ पर जब टी का वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। दैट इम्प्लाइज अब ये 2 को और डिनोमिनेटर के ए को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2as, ये है v प्लस यू, ये v माइनस यू, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a का वैल्यू v है, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नाउ ट्रांसफर यू स्क्वायर, तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत आसान है, इस पोर्शन में पहुँचने के बाद आप यहीं पर केयर करेंगे, जब आप इस स्टेप में पहुँचेंगे एरिया ट्रेपेजियम निकालने के बाद, अलग अलग बुक में आपको बहुत अलग अलग तरीके से डेरिवेशन मिलेगा, कई राइटर ने कई बुक्स ने क्या किया कि वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के बजाय पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फिर दोनों को सम किया, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। मेरी हमेशा होती है कि हम फार्मूला डेरिवेशन है, फिजिक्स के जितने भी फार्मूला डेरिवेशन हैं उनको हम फार्मूला यूज़ करके, प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके उसको ईजी और शॉर्ट कर सकें, तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा जो 9th क्लास का मोशन का जो चैप्टर है
वो ओनली बेसिक फंडामेंटल है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको 11th क्लास में जाके इसको बहुत डिटेल में बहुत ब्रॉड पढ़ना है, लेकिन आप लोग को मेरा सजेशन है कि आप यदि 9th क्लास से ही आगे चल के जिसको साइंस या मैथमेटिक्स के फील्ड पे जाना है, वो 9th क्लास से ही आप इस पोर्शन को बहुत स्ट्रांग करिए, तो आपको 11th क्लास में बहुत हेल्पफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बस मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि 9th क्लास का फिजिक्स का बेस आप अच्छे से क्लियर करिए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला चैप्टर 4-5 टॉपिक नियर अबाउट है, तो 4-5 वीडियो में मैं आपके 9th के सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। बस एक मेरा लास्ट सजेशन आपको ये है कि आप पूरा चैप्टर को मेरे वीडियो से तैयार करने के बाद आप अपने टेस्ट बुक से, रेफरेंस बुक से, जो भी बुक आपके पास होगा, एनी वन, सारे बुक अच्छे हैं, वो बुक से आप इसको एक बार रिवाइज करिए। हो सके तो वीडियो के साथ आप इसका साइड में नोट्स बनाइए आप अपने, और उसको रिवाइज करने के बाद एक काम आप करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वो है बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दिए हैं, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिए। हो सकता है कि मेरे पास टाइम रहे तो मैं फ्यूचर में आपको न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से टॉपिक और अलग से कवर करा दूंगा। ये वीडियो तो मैंने 9th के स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर इसको बनाया, और 2-4 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।